Our today's topic is nature of economics. Nature of economics means whether the economics is a science or arts. Nature of economics means whether the economics is a science or arts or both. There is no consensus among economics regarding the nature of economics. Many economists consider economics as a science, whereas many others regard it as an art. जितने भी हमारे economists हैं उन सभी के बीच कोई आम सहमति नहीं है कि मतलब जो हमारा economics है, जो हमारा अर्थशास्त्र है, वो विज्ञान है या आर्ट है, विज्ञान है या कला है. किसी के बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो हमारे हैं, कुछ का मानना ये है कि इकोनॉमिक्स जो हमारा है वो एक साइंस है, बट कुछ का मानना ये भी है कि जो इकोनॉमिक्स है हमारा वो आर्ट्स है. हमने ये तो जान लिया कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है. अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हमारा है, मतलब जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो साइंस है या आर्ट्स है, उसको कैसे साबित करेंगे? तो पहले हम साबित करेंगे इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. इकोनॉमिक्स कैसे साइंस है? इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहा जाता है? सो वी हैव टू प्रूव दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी फैमिलियर विद द डेफिनेशन ऑफ द साइंस. पहले तो साइंस है कि नहीं साबित करने के लिए हमें साइंस की परिभाषा से परिचित होना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. उसको अगर वो कंपेयर करेंगे इकोनॉमिक्स से, अगर इकोनॉमिक्स उन सारी ज़रूरतों को पूरा करता है तो वो एक साइंस है. सो लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ साइंस. साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट विच इस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. विज्ञान हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का अध्ययन है, जिसमें कारण और प्रभाव, कॉज का मतलब कारण, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, इन दोनों संबंधों को इस्टेब्लिश करता है, बनाता है. अगर ये इकोनॉमिक्स भी ऐसा होता भी करता है तो वो साइंस है. सो लेट्स नाउ कंपेयर विद द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट स्टडीज कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमेटिकली. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो works systematically in order way that it studies the consumptions, productions, exchange and distribution systematically. As a science also study any of the subject systematically in order way. Most of the economics law establish cause and effect relationship between various economic variable. For example, law of demand establish cause and effect relationship between price. Law of demands, it is the all the rules, regulations, laws are followed by the economics also. When the law of demand establishes causes and effect relationship between price, when the cause and effect relationship, it means economics is also a science. It also establishes cause and effect relationship between various economic variables. For example, law of demand establishes the cause and effect relationship between the price. Economics also proved that economics is a science. Some of the people says that economics is an art. So to prove that
इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, वी मस्ट बी द फैमिलियर विद द डेफिनेशन ऑफ आर्ट्स. आर्ट्स इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट एम्स. इट हेल्प्स इन द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. आर्ट्स इज एन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट एम्स. इट्स make it it provide the solution to the all the problems which arises in the economics in a practical way. Compared with the economics, a body of knowledge that guides on action is known as an arts. जो भी हमारी solutions रहते हैं, knowledge, जो भी हमारी arts, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा मार्गदर्शक करता है किसमें, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन में, वो भी एक प्रैक्टिकल वे में. तो वो हमारा आर्ट टीचर्स अस हाउ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व. आर्ट हमारा ये सिखाता है कि प्रैक्टिकल जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं. इट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉपर्टी. वो प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी, soaring price, malnutrition, etc. So economics is an also art. Economics also provide the solution to the problems that arises in the society, and arts is also provide the guidance to the solution of that thing. So both the requirement are fulfilled. Hence, we conclude that economics is a science as well as an art. It is a both science also and arts also. Some of the limitation of economics are given. Economics has also the limitation. The first was study of activities related to the wealth only. Economic study only the activity which are related to the wealth. Those things which are related to the wealth that are studied under the economics. Not the other activities of man such as religious, political, social, cultural activities. जो हमारा अर्थशास्त्र है वो सिर्फ और सिर्फ धन की ही अध्ययन में धन की ही अध्ययन करता है. इट इज़ रिलेटेड टू वेल्थ ओनली एज इट इंक्लूडेड द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट ऑफ द मनी, हाउ टू स्पेंड, हाउ. Now the second limitation of the economics, study of the social man. It is study the man who lives in the society only. People living in the jungle, caves, etc. are not studied in the economics. Those person who are lives in a society related to the society, they are only studied. Not the man who lived in the jungle or the cave, they do not included in the study of the economics. Third one is the study of normal man. Economics study only the normal man, but not the abnormal man like drunkard, miser, or madman. It study the only the normal man who are healthy, well, and perfect. Means those person who do not have anything like madness or any of the mental disorder, they do not included in the economics. And the fourth one is study of scarce commodities, the commodities which are rare, which are less in
लेस इन अमाउंट विच इज़ यूज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल दैट ओनली इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक्स. The goods which are free good, the free goods are not included, which have the higher supply than the demand, that could not be included in this economics. And the fifth and the last one is other things being equal. All the economics law are based on the assumption of the other things being equal, but a man is affected by the change in the many things like custom, habit, economics, नियम है, लॉ है, कानून है, उस सब के सब आधार है. किस पे आधारित है? उस सब के सब assumption, यानी कि use of the commodities, use of the things, they are equal, equally. But a man, लेकिन जो मानव है, जो the people are affected by the some changes like customs, जो हमारा चलन है, आदत है, fashion है, it changes the use of the things and the commodities, other things being equal.